जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के काशीराम नगर में रहने वाले किशन सिंह खरीदारी करने की पास ही के बाजार गए थे। आरोप है कि वहीं कुछ शराबी युवक से कहासुनी हो गई, जिसमें मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। परिजनों ने 112 पर सूचना दे दी, जिसकी जानकारी मिलते ही मझौला पुलिस ने दोनों ही पक्षों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जहां पहुंचते ही दोनों पक्ष अस्पताल परिसर के बाहर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। देखते ही देखते अस्पताल परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जिसके हाथ में जो आया उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी एक युवक को कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। आरोपियों ने एक युवक के सिर पर ईंट से हमला किया और वे बेहोश होकर नीचे गिर गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उस पर वार डंडों से करते रहे। पीड़ित पक्ष के अनुसार ये वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड में जाने वाले मुख्य गेट का है, जहां पर हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। लेकिन वीडियो में दिख रहा है विवाद काफी देर तक होता रहा, लेकिन वहां तैनात कोई भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि वो चंद कदमों की दूरी पर स्थित थाना सिविल लाइन पुलिस के पास भी पहुंचे, लेकिन जब तक पुलिस आई आरोपी भाग चुके थे। अब पूरा परिवार जिला अस्पताल में ही है, उन्हें यह बाहर जाने से डर सता रहा है कि हम यहां से बाहर निकलेंगे तो आरोपी उनके साथ फिर से मारपीट करेगा। मुरादाबाद से उज्जवल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है? जानवी सिंह। क्या हुआ? हुआ ये था, काशीराम में ये सामान लेने गए थे किसी दुकान पे, सामान लेने गए, वहाँ एक आदमी दारू नशे की हालत में इनसे गाली गलौज कर रहा, वहाँ गाली गलौज ये भी उनसे मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ। हमें आवाज़ आई, हम नीचे गए वहाँ देखने की क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ हम जैसे ही गए हम पे मारपीटी चालू कर दी उन लोगों ने। वो कम से कम 15-20 जने, 25-30 जने थे, उन्होंने सब ने हमें मिलके मारा। कोई फिर हमने वहाँ पे 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर के सामने ही उन्होंने हमें बहुत मारा। 100 नंबर के 100 नंबर भी कुछ नहीं कर पाई, वो खड़े रहे उनके सामने ही इतना मारा, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। फिर वहाँ से हमने एक पुलिस 100 नंबर दूसरी एक और फ़ोन किया 100 नंबर को, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। उस एम्बुलेंस मुझे उधर बहुत मारा था, उस टाइम ये घायल नहीं थे, इनको कुछ भी नहीं हुआ था, उस टाइम मैं बेहोश थी। इन्होंने मुझे एम्बुलेंस में बिठाया, जिसमें मेरी माँ, मेरी सास, मेरे पापा, मेरा भाई, हम सब, मेरी बुआ, हम सब मौजूद थे। अब जैसे ही एम्बुलेंस जिला अस्पताल के बाहर रुकी, वहाँ पे 25 से 30 लड़के वहाँ पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर को बाहर निकाला मार के, ताकि वो एम्बुलेंस आगे ना बढ़ा पाए, बाहर निकाला। फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करी, उनसे दरवाज़ा नहीं टूटा, तो वो ईंटें, पत्थर, न जाने क्या क्या अंदर चला रहे थे, पूरी कांच वाँच सब तोड़ दी अंदर से, सब हमको मार रहे, पीट रहे। जब उनसे उन्होंने बहुत देर तक उनसे दरवाज़ा खुला, इनको खींच के बाहर लेके चले गए, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, बहुत बहुत बुरी तरह से मारा। वहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। दो पुलिस वाले खड़े थे वहाँ, वो भी कुछ नहीं कर रहे, इनको इतना मारा। ये जिला अस्पताल के बाहर ही, एमरजेंसी वार्ड के बाहर ही एकदम मारा था। बहुत लोग थे, 25 अकेले को इनको इतना मारा, 25-30 जनों ने बहुत मारा। फिर जैसे ही मैं वहाँ से भागी, कैसे ना कैसे करके मैं वहाँ थाने से भी लाइन थाने गई। थाने में मैंने वहाँ जाके मैंने पुलिस वालों को बोला कि वहाँ मारे, चलो। उन्होंने जब तक वो आए यहाँ पर आए, वो भाग चुके थे, इतनी देर में इनको अधमरा कर चुके थे वो लोग। 25-30 जने ही अकेला इंसान बेहोश हो गया, क्या करते 25-30 जनों में। आपका साथ मतलब मारपीट थी, जेंट्स थे सारे मारपीट करी, छेड़छाड़ करी मेरे साथ, मेरे कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरी तरीके से मारा मुझे। ये सब मतलब जो मार पिटाई हुई सब जिला अस्पताल के पास में, जिला अस्पताल के बाहर, हाँ गेट पे, इमरजेंसी गेट के बाहर ही हुई है। वहाँ सीसीटीवी भी है, वहाँ सीसीटीवी भी लगे हैं, अब आप कैमरे में भी देख सकते हैं, और वहाँ के लोगों ने वीडियो इतनी बढ़ाई है, फेसबुक सब पे, इंटरनेट पे सब अपलोड कर रखी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने अंदर बैठ के भी जितनी मुझसे बन पाई मैंने वीडियो बनाई, जब तक उनसे दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा खोला उन्होंने मारपीट चालू कर दी। वहाँ के लोगों ने कोई मदद नहीं करी, बस कैसे ना कैसे करके मैं वहाँ भगी, थाने आई, थाने वाले जब तक आते वो भग चुके थे। FIR दर्ज करी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। अब मैं बताओ थाने में रहूंगी, मैं इनको देखूं, बताओ क्या करूं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। खतरा, हाँ अभी ये मेरे देवर ये इनको देखने के लिए बाहर आए, वो लड़के पहले तब भी, इनको मारने के बाद भी वो तब भी वहाँ पे थे,
इनकी ढूंढाई करी, इनको दौड़ाया, इनको मारा, वो तो ये भाग निकले, वरना अगर ये हाथ आ जाते तो ये भी इनका भी ऐसे ही हाल होता। वो अभी भी हमारा खतरा बनेगा, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, आ नहीं सकते, रात से हम यही अस्पताल में हैं डर के मारे, घर नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अभी भी हमें इतना डर है, बहुत ज़्यादा डर है कि हमें कहीं मिल जाए दोबारा ना मारे। पुलिस होने के बावजूद भी हमें डर है, क्योंकि दो पुलिस वाले पहले मौजूद थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप दो जने थे, अगर वो 25-30 थे, आप कम से कम फोर्स तो बुला सकते थे। थाना यहाँ से सिविल लाइन कितने पास में है, दूर भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ये कल रात्रि में दो पक्ष जो अपना मेडिकल कराने आए थे, वहाँ पे आपस में भिड़ गए, आपस में मारपीट करी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें तीन नामजद तथा 1215 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर विधि कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी आरोपी हैं उनको तलाश कर गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, बाहर खड़ी क्या एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई, क्या उसमें भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें जो इन्होंने आपस में जो झगड़ा किया, इसमें एम्बुलेंस को भी डैमेज हुआ है, इसमें भी मुकदमा पंजीकृत है, इसमें विधि कार्रवाई की जा रही है।